भागो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और जैसे कि सर्दी तो बढ़ी रही है, लेकिन लोग जनसंख्या भी कम हो रही है, पार्क के अंदर मोटिवेशन बना के रखे हुए हैं। और कल करीब 3:30-4 बजे निकल गया था ऑफिस से, और इवेंट में जाने के लिए सारी जद्दोजहद हुई। और आपने देखा ही कितनी पॉपुलेशन आई हुई थी, कितना डांस परफॉर्मेंस हुआ है, क्या क्या हुआ है। चलो, सुबह का टाइम है, ज़्यादा बात करने का मन नहीं है, मिलता हूँ थोड़ी देर में। भागते हैं ना पहले। सब पेट्रोल की सुई जो है बहुत ही कम हो गई है, पेट्रोल भराना पड़ेगा। तो आ गए हैं पेट्रोल पंप, फटाफट से पेट्रोल भरा लेते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। अरे यार, अब वो मुझे आगे बुला रहा है, आई थिंक फॉर माई बेटरमेंट। ओ, गाड़ी बंद हो गई। ऑन हो गई। इस पे भरवाएंगे। बताया था ना यहाँ चेक करना है। ये चीज़ मुझे बहुत टाइम बाद पता चली। मैं हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखा करता था कि भाई पेट्रोल भर रहा है कि नहीं भर रहा। और ये तो आप चेक कर सकते हैं कि डेंसिटी है 748, 96.72 का रेट चल रहा है, बढ़िया है। तो भाई साहब, आज की शुरुआत थोड़ी अलग हुई है। जनरली पिताजी माताजी से वीडियो कॉल करने के बाद मैं सीधा आप लोगों से बात करता हूँ और फिर ज्ञान सुनता हूँ। आज पहले कॉल करने के बाद सीधा ज्ञान पे लग गया, ज्ञान सुन लिया बहुत ज्यादा, और इस वक्त पूरा ज्ञान से भरपूर भरा हुआ हूँ। तो थोड़ी ज्ञान की बातें हो जाए, तो ज्ञान की बातें सिर्फ इतना कहूंगा कि कभी भी आपको अगर घमंड हो जाए ना कि बहुत पैसा है या फिर बहुत नाम है और आपके पास बहुत बड़ी पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, घर है, कैश है, इन्वेस्टमेंट है, ह्यूमैनिटी इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये हमेशा सोच लेना एक बार कि अगर आपके पास ये सब है भी, लेकिन इमेजिन कर लेना कि अगर ये सब नहीं है तो आप कैसा बिहेव करेंगे। तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि कुछ भी हो जाए, आप इंसानियत को सबसे ऊपर रखेंगे, ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखेंगे और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे, ना कि हर वक्त रौब जमाएंगे, धौस जमाएंगे कि आपकी पोजीशन ये है, आपका लेवल ये है, आपकी डेजिग्नेशन ये है, या फिर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो आप थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे। तो वो ना करें, इंसानियत को पहले लेकर आएं, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आप एक अच्छे इंसान बनने चाहिए, ना कि घमंडी। तो कोशिश वही करें, और कोशिश हम सबको वही करनी चाहिए, मैं भी वही कोशिश करता हूँ वैसे, देखते हैं बाकी कितना कामयाब हो पाते हैं इस बारे में। फिलहाल ऑफिस पहुंचने का समय हो गया, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो भाई साहब, वक्त हो गया है ऑफिस से निकल कर घर पहुंचने का, इनफैक्ट करीब करीब घर पहुंच ही गया हूँ, क्योंकि गाड़ी में बैठने के बाद तुरंत कुछ देखने लग गया था। और आज कुछ कॉमेडी देखते हुए आया हूँ, गौरव, क्या इसका, गौरव कपूर, हाँ ये रहा। सो काफ़ी अच्छी कॉमेडी वीडियो थी, बहुत ही मज़ा आ गया गौरव कपूर को देख के। तो थोड़े बहुत कस वर्ड यूज़ करता है, लेकिन अच्छा है, कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है, हर वक्त ज्ञान ज़रूरी नहीं है, कभी कभी गाने वाने सुनने चाहिए और जो आपका मन करे वो करना चाहिए। तो वही कर रहा था, घर पहुंचने वाला हूँ, चलते हैं घर, मिलेंगे आपसे अगर कुछ और अपडेट्स होंगे। देखते हैं अभी महाराज क्या कर रहे हैं घर पे। ये देखो आज रंगे हाथों पकड़ लिया है, दोनों बैठ के गन्ना खा रहे हैं। अच्छा, हाँ मैं खा लूँ, कल रात को हमने 3 पीस खाए थे ऐसे बड़े बड़े, याद है? ये क्या सारा दिन फुकरा इंसान देखते रहते हो, फुकरा इंसान पता है, उस पर भी आया ना अभी टेम्पटेशन आइलैंड। ये देखो, भारत की हार के बाद कौन कौन सी टीम लिया अभी, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, जो कि बाहर हुए हो गया था। अब तू क्या सोच रहा है कि जिता देगा अब? कितने क्या है, 16 पे 26 ही है। अब मैं इतनी देर तक तो दिखाऊंगा नहीं, एक दो बॉल देखता हूँ आपकी क्या बैटिंग है। चलो 16 पे 26 चाहिए, 2 रन तो आ जाएंगे इसमें लग रहा है, रन आउट भी हो सकता है। ढाई बारो
आउट हो गया, आउट हो गया। ये क्या चैलेंज करेगा रे तू, क्या नकली, क्या गुंडा बनेगा रे तू, हाँ क्या गुंडा बनेगा रे भाई साहब। ये मेरे लिए आया है जो आप खा रहे हो ना, ये दो रोटी नो राइस की पॉलिसी लानी पड़ेगी बेटा, बहुत हो गए बीमारी का नाटक, रोज रात को खाना खा रहे हो अच्छे से, है ना, अब कुछ सोचना पड़ेगा। ये क्या इतना मोटा पहन रखा है, क्या सर्दी से सीखेगा तू, ये देखिए आपसे सीखो। अच्छा सॉक्स निकल गए, इतनी ठंड भी नहीं है, बस तू नहीं जीत पाएगा, मेरे को दे, मैं जीताता हूँ, मैं जीताता हूँ, ला मैं जीताता हूँ, ला। ऐ मच्छर आवी, ये ले, अगर मच्छर आएगा तो इससे मार देना, ठीक है, आ रहा कहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ, हमका का बता, कौन गाँव, कहाँ गया, सडनली गायब हो गया, कहाँ, आई कांट सी, कहाँ है, कहाँ है भाई, पांडे जी का लड़का, आजकल किसके साथ बैठ रहे स्कूल में, तो पांडे जी का लड़का सीख कर आए हो, और ये कौन है, गप्पू महाराज, पांडे जी, यहाँ कौन सजा कर रखता है कीबोर्ड के ऊपर, चल कर लो, चिल्लाना अलाउड नहीं, बताया था ना, अब इसको फटाफट कर, अभी